तो फ्रेंड्स, आज फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है डिटरमिनेंट्स। ठीक है, तो डिटरमिनेंट्स जो भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सब आज हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, तो और आपको बता देते हैं कि क्लास ट्वेल्थ का मैथ जो भी चैप्टर है, सभी चैप्टर का आपको इसी तरह से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सॉल्यूशन के साथ आपको इस चैनल पर मिलेगा। और आपको बता देते हैं कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, ये सब का भी, बाकी सब्जेक्ट का भी क्वेश्चन पेपर आपको इसी तरह से सॉल्यूशन के साथ ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों टाइप का क्वेश्चन आपको इस चैनल पर प्रोवाइड कराया जा रहा है। उसको आप जा कर के देखिए। और जो भी आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है वो सब आपको इस चैनल पर मिलेगा, इसलिए आप हमारे चैनल से जरूर बने रहिए। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं वीडियो। और दोस्तों, कैसा लगता है आप कमेंट करके जरूर बताया कीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, और आपको बता देते हैं कि पेन पेपर लेकर के आप जरूर बैठे, क्योंकि कुछ फॉर्मूला भी बताएंगे तो उसको आप नोट कर लीजिएगा, जो कि NCERT बुक में नहीं है। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है डिटर्मिनेंट ए हमें फाइंड आउट करना है। डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू क्या होगा, तो कैसे इसको निकालते हैं, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। और तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, फिर माइनस लगाएंगे और 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा -20। और ये माइनस पहले से आता तो हो जाएगा प्लस, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। ठीक है, किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इसको आप निकालना जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, इसका बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का। तो यहाँ पर तो क्वेश्चन ऐसा होता नहीं है, लेकिन इस तरह से मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसके इक्वल में कुछ ना कुछ जरूर रहता है। ठीक है, तो कुछ नहीं तो मान लेंगे कि इक्वल में क्या है, 0 है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 18 दुना कितना हो जाएगा 36 बराबर 0। अब यहाँ से आप x का वैल्यू निकालिएगा तो प्लस माइनस 6 आपका निकलेगा, किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर इसका भी क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। चलिए इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3। और ये सवाल तो आप जरूर बनाएंगे कई बार, ठीक है, जो कि आंसर कितना आता है, 1 आता है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। लेकिन कैसे आता है वो भी आपको बता देते हैं। तो पहले तो आप इसको इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, साइन 10° इंटू कोस 80° इतना होगा, फिर माइनस होगा, लेकिन यहाँ से माइनस होने की वजह से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कोस 10° साइन 80°। ठीक है, इस तरह से होगा। अब किसी एक को हम चेंज कर देंगे, कोस को हम चेंज करेंगे साइन में, तो कोस 80 को कैसे लिख सकते हैं, तो कोस 80 को हम लिख सकते हैं कोस 90 माइनस 10 ऐसे लिख सकते हैं। और आपको पता है कि 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो साइन थीटा हो जाएगा, तो ये जो कोस है बदल जाएगा साइन में, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा साइन 10°। ठीक है, साइन 10° आ जाएगा, और ये वो साइन 10° पहले से था, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 10°। इसी तरह से यहाँ पर भी चेंज करेंगे, ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पर ये प्लस है, यहाँ भी चेंज करेंगे तो यहाँ भी चेंज कीजिएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा कोस स्क्वायर 10°। ठीक है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, तो 1 होता है, इसीलिए यहाँ से क्या होगा, 1 हो गया। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 में देखिए, ये आपका फॉर्मूला ही है, इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है, इसको आप याद में रखिएगा। ठीक है, इतना इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी ये बिल्कुल फॉर्मूला है, आप इसको लिख लीजिएगा, ए ट्रांसपोज ऑफ डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ जाएं, चलिए नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, हाँ ये भी आपका यहाँ से एक और फॉर्मूला आपको मिलने जा रहा है, तो इसीलिए आप इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। देखिए यहाँ पर आपको कह रखा है कि एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर कितना है, 3 ऑर्डर है। ठीक है, 3 ऑर्डर है उसका। तो हमें दे रखा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए दिया हुआ है कितना है, 2 है, तो हमें 2a का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आपको एक फॉर्मूला बताते हैं, उसको आप लिख लीजिएगा। फॉर्मूला आपका ये है कि k इंटू ए ऑफ डिटर्मिनेंट का साइन इक्वल टू होता है k टू द पावर n डिटर्मिनेंट ए।
इस तरह का फॉर्मूला, तो इसको आप बिल्कुल नोट कर लीजिए। ठीक है, के यहाँ पर क्या है, तो के कोई कॉन्स्टेंट है। ठीक है, एन क्या है, एन नंबर ऑफ ऑर्डर है, लिख लिए एन, ये सब लिख लीजिए जो बोल रहे हैं। एन क्या है, नंबर ऑफ ऑर्डर है, और के कॉन्स्टेंट है, इस फॉर्मूला को लिख लिए। चलिए ठीक है, अब इसी फॉर्मूला पर आपका सवाल बैठ रहा है कि के जगह पर क्या है, टू है। ठीक है, तो लिख देंगे यहाँ पर क्या, टू। ठीक है, तो टू लिख देंगे, देखिए तो लिख दिए टू ए। ठीक है, अब देखिए क्या फॉर्मूला है, तो के यानी कि टू टू द पावर कितना, एन, एन मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर, कितने ऑर्डर का, थ्री ऑर्डर का है। ठीक है, और डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू कितना दिया, दो दिया हुआ है। ठीक है, दो दिया रख दीजिए। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, सोलह। तो ऑप्शन नंबर किस में, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को आप जरूर नोट कर लिए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स। ठीक है, इसको भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, इसका वैल्यू जो होता है वो हमेशा कितना होता है, वन होता है। ठीक है, इसलिए इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है सेवन। सेवन देख लीजिए, सेवन में है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कह रखा है, तो इसको इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एक्स हो जाएगा, माइनस इसको इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो फोर इक्वल टू जीरो, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर यहाँ से हो जाएगा फोर। ठीक है, तो ऑप्शन जो भी होगा वो सही हो जाएगा, फोर। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेकिन माइनस में हमारा आ रहा था। ठीक है, सॉरी प्लस में आ रहा था, तो ये प्लस में होना चाहिए, आंसर इसका मिस्टेक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेवन है। ठीक है, तो सेवन का ये जो यहाँ पर प्लस होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि इसको इसे मल्टीप्लाई किए ना, तो एक्स आया, फिर माइनस लगाते हैं, इसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर। ठीक है, इक्वल टू जीरो, तो एक्स जब इसको उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में आएगा, तो इसको यहाँ पर ये गलत आंसर है, ये पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़े। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर एट है। एट में देखिए, इसको भी सॉल्व करना है। ठीक है, तो कोई भी आप ले लीजिए। ठीक है, इसको आप जब सॉल्व कीजिए, दो को लीजिएगा तो ये और ये कैंसिल, बचेगा यहाँ पर बीच वाला, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो दस माइनस जीरो, क्योंकि छः को जीरो से करेंगे तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से फिर यहाँ पर माइनस ले लीजिएगा, और तीन को लेते हैं तो फिर ये वाला पार्ट और ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर ए आपको मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपको मिल जाएगा, उम्मीद है कि इसको आप सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर नाइन है। देखिए नाइन में कह रखा है, डिटर्मिनेंट ऑफ नल स्क्वायर मैट्रिक्स विल बी नल, नल मतलब होता है कि उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं, खाली है, जीरो है, तो उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, तो उसका डिटर्मिनेंट भी जीरो होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर टेन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये तो आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि किसी का भी एरिया क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है ग्यारह। इसमें देखिए, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इन्वर्टिबल इफ, अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये तभी इन्वर्टिबल होगा जब इसमें से ये वाला पार्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होना चाहिए, डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा तो ए इनवर्स नहीं निकलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर बारह है। देखिए इसमें क्या रखा है कि ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स देन ए इनवर्स इक्वल टू, ये फॉर्मूला आपसे पूछ रखा है। ठीक है, तो फॉर्मूला पूछ रखा है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ये फॉर्मूला है, इसको आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, क्लियर है, आगे बढ़ जाएं। तो नेक्स्ट आपका है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो हम सी में टिक लगा रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी बोल करके सी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर तेरह है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर तेरह में कह रखा है, इसमें इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इसका वैल्यू आप सॉल्व कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर सी आपका आएगा, 48। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाएं। तो नेक्स्ट आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए इसमें कह रखा है, इसका भी वैल्यू निकालना है, तो इसको इसे कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, माइनस चार, इसको जब इसे कीजिएगा तो ये आ जाएगा जीरो, तो जीरो आएगा, तो ये खत्म हो गया, सिर्फ माइनस चार आएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर इसका बता दीजिए, इसका क्या हो जाए, तो इसका तो आप देख करके बता दिए होंगे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट आपका 16, कौन सा इसमें सही है, इसमें से कौन सा सही है, तो यहाँ पर भी एक फॉर्मूला है, इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, याद रखिएगा, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, कि ट्रांसपोज ऑफ ए और अगर उसका डिटर्मिनेंट निकालें
तो मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट के बराबर आता है। ठीक है, तो इसको आप बिल्कुल याद रखिएगा। ठीक है, ये भी फॉर्मूला है। चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, तो क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए। वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स एग्जिस्ट इफ़ मैट्रिक्स इज, तो डिटर्मिनेंट तभी निकलता है जब वो क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है तब। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी उसका वैल्यू निकलेगा, और नहीं तो नहीं, बाकी रेक्टेंगल ये सब का नहीं निकलता। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 में देख लीजिए, यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालना, तुम्हें देखिए आप इसको सॉल्व कर पाएगा, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा आएगा, सी। ठीक है, इसको जब इससे एक्स को वन से कीजिए तो एक्स आ जाएगा, माइनस टू को सिक्स से कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, टू को थ्री से कीजिए तो सिक्स बराबर एट दिया होता है। अभी ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो आठ और छः 14, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 है, तो आपको दिख रखा है कि एक ये रो, ठीक है, रो या फिर कॉलम, रो या फिर कॉलम अगर टोटल जीरो हो जाए, रो या कॉलम जीरो हो जाए तो उसका वैल्यू क्या आता है, जीरो आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जीरो, क्योंकि यहाँ पर कॉलम क्या हो गया, जीरो हो गया, तो इसलिए जीरो हो जाएगा। आप सॉल्व भी कर लीजिएगा तो भी जीरो ही आएगा। इसके बाद 20 क्वेश्चन नंबर है, तो इसका आप सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, कैसे सॉल्व कीजिए, तो अगर आप उठाते हैं दो को तो दो लिख दीजिए, फिर यहाँ से एक कैंसिल, ये कैंसिल। ठीक है, तो बीच वाला बच जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो छः एकम छः और माइनस का साइन लगा दीजिए, फिर आठ तरीके 24। ठीक है, इस तरह से कीजिए, फिर थ्री को हम लेंगे, इस थ्री को लेंगे। ठीक है, थ्री को लेंगे तो माइनस का साइन, क्योंकि आपको पता है कि प्लस माइनस प्लस इस तरह से जाता है। ठीक है, तो माइनस थ्री को लेंगे, फिर इसके बाद थ्री के अनुसार इसको कैंसिल करेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लाइन में। तो इस तरह से जब आप सोल्व कीजिएगा तो 20 का ऑप्शन नंबर सी आपको मिल जाएगा। ठीक है, जीरो आएगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, और वैसे भी आप देख करके भी बता सकते थे, प्रॉपर्टी आप पढ़े होंगे कि किसी भी डिटर्मिनेंट का अगर कोई भी दो रो, कोई भी दो रो या फिर दो कॉलम अगर सेम मिल जाए, आइडेंटिकली हो जाता है, तो इसका वैल्यू क्या आता है, जीरो आता है। तो यहाँ से ये प्रॉपर्टी देख करके और आराम से जीरो टिक मार सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये सब प्रॉपर्टी याद रहेगा तभी आपका ध्यान में रहेगा। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका है ये वाला है। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए, तो इसमें भी तो सेम टू सेम वही है क्वेश्चन नंबर 21 में, है ना, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 21 में भी वही है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर जीरो कहाँ पर इसमें है, किस ऑप्शन में है। ठीक है, तो ऑप्शन सी में है, तो कौन सा हो जाएगा, 21 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट आपका अब ये है, तो इसका तो आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या आएगा। ठीक है, ये आपके लिए है। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 23 है। 23 का जो जब सॉल्व कीजिएगा आप, इसको जब सॉल्व कीजिए तो ऑप्शन नंबर मिल जाएगा डी। ठीक है, 32 इसका आ जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट आपका, अब इसमें बता दीजिए कि इसका क्या होगा, इसका तो सब आइडेंटिटी है। ठीक है, आइडेंटिकल मैट्रिक्स है ये, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ये। चलिए आगे बढ़ जाएं, तो 25 क्वेश्चन नंबर है। हाँ, यहाँ पर कोफैक्टर किसका निकालना है, 5 का निकालना है। ठीक है, कोफैक्टर आपको पता है कैसे निकाला जाता है, पहले माइनर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं कि 5 में किस रो में है और किस कॉलम में है। तो 5 जो है वो थर्ड रो में है। ठीक है, थर्ड रो में है, और किस कॉलम में है, तो सेकंड कॉलम में है। ठीक है, इतना का निकालना है, तो इसको निकाल लीजिए। तो इसके सामने वाला ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए दो को, तो दो हो जाएगा, फिर माइनस इसको इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, माइनस एट। ठीक है, इस तरह से हो गया, यहाँ से वैल्यू क्या आ गया, माइनस सिक्स। और आपको पता है कि कोफैक्टर निकालते हैं तो साइन कौन सा लगाते हैं, साइन देख करके लगाते हैं। तो यहाँ पर इसको जब आप ऐड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, पाँच, पाँच अगर आएगा तो माइनस लगा देना है, और अगर सम संख्या आएगा मतलब इवन नंबर आएगा तो आपको पॉजिटिव रखना है। ठीक है, ये तो आपको पता होगा, तो इसलिए माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, तो 25 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। ठीक है, तो हम ये आपको मान करके बता रहे हैं क्वेश्चन कि आप ये सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए ये सब आप रिविज़न किए होंगे। अब आपको यहाँ पर माइनर ही निकालना है, कोफैक्टर नहीं निकालना है, माइनर निकालना है किसका, तो ए 21 का। ठीक है, मतलब कि आपका ये जो 2 है वो क्या है, ये है रो। ठीक है, और 1 क्या है, कॉलम है। तो कहाँ पर है, तो रो कहाँ, ये R1 हो गया और ये R2 हो गया। ठीक है, इसमें और कॉलम R1 ही है, तो मतलब इसका निकालना है आपको। ठीक है, इसका निकालना है, तो इसका आपको निकालना है, 2 का आपको निकालना है।
तो टू का निकालना तो क्या हो जाएगा, तो इसका तो सिक्स आपको दिख रखा है, ठीक है, छः ही बचेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ जाए तो नेक्स्ट आपका ये रहा, यहाँ पर भी, यहाँ पर आपको ये जो लिखा हुआ है ये माइनर, ठीक है, तो माइनर आपको निकालना है, ठीक है, तो माइनर निकालना है, तो चलिए वन वन का निकालना है, तो आर वन भी और कॉलम वन भी, ठीक है, तो इस थ्री का आपको निकालना है, तो ये कैंसिल हो गया, बच गया ये, तो जीरो माइनस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वन, ठीक है। माइनस वन किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में है, तो 27 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 28 में देख लीजिए, एडजॉइंट निकालना है, ठीक है, एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट निकालने के लिए और तो आपको पता होगा कि एडजॉइंट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था, एडजॉइंट निकालने के लिए आपको पहले तो आपको निकालना पड़ेगा माइनर, ठीक है, माइनर निकाल करके, माइनर निकालिएगा, फिर उसके बाद कोफैक्टर निकालिएगा, कोफैक्टर का ट्रांसपोज कीजिएगा, तब जा करके आपको एडजॉइंट मिलेगा, लेकिन यहाँ पर उतना करना नहीं है, खुशी की बात यह है कि ये दो ऑर्डर का है, जब भी टू ऑर्डर का होता है तो कुछ नहीं करते हैं, इसको रिप्लेस करते हैं और इसका साइन चेंज करते हैं, ठीक है, तो ये रिप्लेस कीजिएगा तो हो जाएगा फोर, और इसका साइन चेंज कीजिएगा तो ये हो जाएगा इस तरह से, राइट। तो ये देखेंगे कि ये वाला किस ऑप्शन में है, ठीक, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो इधर तो दो ये है, यहाँ पर बाकी दो है, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, आपको कहाँ पर दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद 29 क्वेश्चन नंबर है, ये भी आपका एक फॉर्मूला जो कि अभी आपको उधर बताए थे, ठीक है, तो जल्दी से बता दीजिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यही फॉर्मूला आपको पीछे इसी से क्वेश्चन था और आपको सॉल्व करवाए थे, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन नंबर ये लास्ट है, ठीक है, यहाँ पर आपको डिटर्मिनेंट डायगोनल का पूछ रखा है, तो 210, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका 30 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव, अब हम लोग देखते हैं सब्जेक्टिव में, ठीक है, तो ये रहा आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में यहाँ पर आपको क्वेश्चन भी दिखाएंगे और इसका सॉल्यूशन भी बताएंगे, ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिए, इवेलुएट करना है, ठीक है, और अगर आप करने में सक्षम हैं तो बिल्कुल आप इसको कीजिए, वीडियो को रोक करके और इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है, तो इसको आप उम्मीद है कि इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसका सॉल्यूशन आपको हम दिखा देते हैं, तो क्वेश्चन नंबर वन का सॉल्यूशन यहाँ पर है, ये रहा सॉल्यूशन इसका, तो देखिए मल्टीप्लाई कर दें इसको इससे तो हो गया 30, और फिर इसको इससे कर दें तो हो गया इसका आंसर 22। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बी का, तो क्वेश्चन नंबर बी का जिससे आपको इजी पड़े उसके अनुसार आप एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या गया है, कॉलम टू के अनुसार, कॉलम टू कहाँ पर है, ये रो हो गया और ये आपका कॉलम हो गया, तो ये कॉलम वन हो गया, ये कॉलम टू, जिसमें ज़्यादा जीरो रहता है ना उसी के लिए हम करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि ये फिर जीरो हो जाए, देखिए यहाँ पर जीरो हो जा रहा है, इसलिए जिसमें ज़्यादा जीरो रहता है उसी के लिए हम करते हैं ताकि सॉल्यूशन करने में क्या हो, आसानी हो, देखिए आराम से जीरो जीरो हो गया, तो इसका आंसर कितना जाएगा, +21, ठीक है। चलिए इसके बाद है सी, देख लीजिए सी आपका यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, तो इसका भी आपको एक्सपेंड करना है, तो इसमें ज़्यादा जीरो है तो इसी के लोग एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, तो इसका यहाँ पर सॉल्यूशन है किया हुआ, तो देखिए यहाँ पर किया हुआ है और इसका आंसर कितना आएगा, -9। इसके बाद डी, तो डी आपको इसको जैसे आपको करना है, यहाँ पर थोड़ा सा इसको मल्टीप्लाई करके और इसको जीरो बना दिया, ठीक है, एक को जीरो बना दिया ताकि इसका सॉल्व करने में आसानी हो, और यहाँ से कॉमन, आप इसको अपने तरीका से भी सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, वही आंसर आएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े, तो डी के बाद आपका ई आ गया, इसको तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, तो जीरो आएगा, इसलिए जीरो आएगा क्योंकि यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ से कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए ये कॉलम वन, कॉलम टू और कॉलम थ्री क्या है, सेम है, आइडेंटिकल है, इसलिए क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है, या फिर आर वन हो गया, आर टू हो गया, आपके यहाँ पर कहाँ है, तो ये कॉमन जब कीजिएगा ना तो सेम ही आ जाएगा, क्लियर है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको दिखाते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड ये रहा, इसमें एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है, और जल्दी से इसको सॉल्व करके बताए कि आपका आंसर क्या रहा है, ठीक है, एक्स का वैल्यू, तो चलिए इसका आंसर आपको दिखाते हैं, तो इसका आंसर ये रहा आपका एक्स का वैल्यू, तो पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लें और इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है,
तो यहाँ पर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इधर भी आपको इसके और इससे कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर माइनस दस आएगा, माइनस दस हो गया, और इसको ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, दोनों को जोड़ दिए तो माइनस चौबीस, और फिर दो से कैंसिल कर दे, सॉरी 12 से कैंसिल कर दीजिए तो आ जाएगा x का वैल्यू माइनस दो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री में आते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री आपका ये रहा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री आपका ये रहा। यहाँ से आपको क्या करना है, कोफैक्टर फाइंड आउट करना है सभी एलिमेंट का, इसमें जो भी एलिमेंट है सभी का क्या करना है, कोफैक्टर फाइंड आउट करना है। तो चलिए दिखाते हैं कोफैक्टर, और उम्मीद है कि आप इसको बना रहे होंगे और नोट भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो कोफैक्टर हमें फाइंड आउट करना है, तो पहले तो ए वन वन का करेंगे, ठीक है, ए वन वन का यहाँ से करेंगे, तो कोफैक्टर फाइंड आउट करना है तो इसका तो फोर हो जाएगा। ठीक है, और फिर अगर आपको ए वन टू का करना है, ए वन टू यही हो गया, यानी कि माइनस टू का करना है, तो इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा माइनस, ठीक है, फोर तो होगा लेकिन माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपको पता है कि प्लस माइनस प्लस इस तरह से होता है, प्लस माइनस प्लस और फिर माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस प्लस, इस तरह से इसका साइन होता है। ठीक है, तो इसको आप ज़रूर पढ़े होंगे, ज़रूर याद होगा, इसीलिए यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाएं, तो इस साइन से भी कर ले सकते हैं, आपने तो कोफैक्टर आपको निकालने का फॉर्मूला आपको पता होगा कि क्या है। ठीक है, उससे भी माइनर पहले निकाल के उसके बाद साइन लगा देना रहता है। ठीक है, तो इस तरह से सभी का निकाल दिया गया है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर में आते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए, अगर इसमें आपको कहीं पर डाउट रह जाता है तो भी बताया कीजिए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फोर आपको यहाँ पर प्रूफ करना है, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, पूछ भी दिया जाता है, तो ये प्रूफ करना है, और आपको इतना दिया हुआ है। ठीक है, वन प्लस डब्लू स्क्वायर इक्वल टू जीरो, ये आपको कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका प्रूफ कैसा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर, तो क्वेश्चन नंबर फोर आपका यहाँ पर है, ये रहा क्वेश्चन नंबर फोर। तो ये तो हमारा हो गया, जो गिवन दैट था वो हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि ये हमारा है R1, ठीक है, ये आपका हो गया R1, ये आपका R1 है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर फोर है, तो ये आपका हो गया कॉलम C1, C2, C3, और जो इस लाइन इस तरह से होता है R1, R2 और R3। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे कि R1 को एक्सपेंड किया गया है, R1 को एक्सपेंड किया गया, तीनों को जोड़ दिया गया, R1 प्लस R2 प्लस R3, इसलिए किया गया ताकि यहाँ से कॉमन निकाला जा सके। ठीक है, तो इसमें सभी को जोड़ देंगे, इसको भी जोड़ेंगे, इसको भी जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये मिल जाएगा, और इसको इससे जोड़ेंगे, इसको इसको जोड़ेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या मिल रहा है, सभी में कॉमन मिल रहा है हमें, वन प्लस डब्लू स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन निकाल देंगे। तो कॉमन निकालने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आएगा, ठीक है, कॉमन निकालेंगे, कॉमन निकालने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, सभी के सभी जीरो जीरो हो जाएगा। ठीक है, जीरो जीरो नहीं होगा, कॉमन यहाँ पर करेंगे तो वन वन आ जाएगा, वन वन आ जाएगा, यहाँ पर मिस्टेक है। ठीक है, तो यहाँ कॉमन निकाल दें तो ये वन वन आ जाएगा। ठीक है, और बाहर में क्या आ जाएगा, वन प्लस डब्लू स्क्वायर इस तरह से आ जाएगा, और इसका वैल्यू क्या था दिया हुआ, जीरो था, तो जीरो और बाकी जो भी है तो सॉल्व किए तो जीरो ही आएगा, इसलिए जीरो हो गया। ठीक है, तो ये था इसका प्रूफ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, ये तो फोर था, क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ चलते हैं। तो ये तो प्रूफ हो गया, क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव ये रहा आपका, इसमें एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स माइनस नौ, और इसको इससे कीजिए तो ये हो जाएगा माइनस सात बराबर जीरो, यहाँ से कितना आ जाएगा, एक्स इक्वल टू आ जाएगा सोलह। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू हो गया सोलह। ठीक है, आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर हो गया सिक्स, सिक्स में देखिए आपसे कह रखा है राइट द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द इक्वेशन, ये जो इक्वेशन दिए हुए हैं आपको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो सिर्फ एक्स वाई है, ठीक है, एक्स वाई है और कुछ है नहीं, तो एक्स वाई है तो कोई बात नहीं है, तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए जो इक्वेशन दिया हुआ है उसका जो एक्स वाई का जो कोफिशियंट है उसी का लिखेंगे। तो पहले एक्स वाई देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको आप देख लीजिए, यहाँ पर एक्स वाई भी लिख दिया, और यहाँ पर ये मैट्रिक्स फॉर्म में हो गया, और ये आपका बी हो गया, तो मैट्रिक्स फॉर्म में ये होता है, और इसको लिख दिया गया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन में, तो क्वेश्चन नंबर सेवन आपका ये रहा,
इसमें क्या रखा है, इसका इवेल्युएट करना है। ठीक है, इवेल्युएट अब इसको देख लीजिए क्या कॉमन मिल रहा है, उसी के अनुसार सॉल्व करेंगे, क्योंकि कॉमन लेकर के सॉल्व कीजिए तो बहुत आसानी होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर किया ये गया है कि ये आपका हो गया कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री, इस तरह से हो गया। अब देखिए, और ये आपका हो गया आर वन, आर टू, आर थ्री। ठीक है, ऐसा हो गया। चलिए अब इसमें बात यह है कि कॉलम वन से 12 को कॉमन लिया गया है। ठीक है, कॉलम वन से क्या क्या है, 12 को कॉमन लिया गया है। अब देखिए तो 12 को कॉमन ले लेंगे, सॉरी कॉमन करें, कॉलम वन में 12 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, या फिर आप कॉमन ले लीजिए, बात एक ही है। क्यों? क्योंकि यहाँ अगर देखेंगे यहाँ तो 12 तो कॉमन मिल रहा है, 12 कॉमन मिल रहा है तो इसका इक्वल हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा तो अब पढ़े हैं प्रॉपर्टी कि डिटर्मिनेंट का कोई भी दो रो या दो कॉलम अगर आइडेंटिकल हो जाता है, सेम हो जाता है, तो उसका वैल्यू क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो बात देखिए, चलिए आगे बढ़ जाएँ। नेक्स्ट आपका है तो वो था आपका 2 मार्क्स का, अब स्टार्ट करते हैं 3 मार्क्स का। ठीक है, तो 3 मार्क्स में देख लीजिए क्वेश्चन, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, प्रूफ दैट आपको करना है, इतना इक्वल टू इतना आपको दिखाना है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं कि कैसा है इसका सॉल्यूशन क्या है प्रूफ दैट में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका ये था फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका यहाँ पर है, इसका सॉल्यूशन नंबर वन का सॉल्यूशन यहाँ पर है। देखिए इसका सॉल्यूशन यहाँ पर है, तो यहाँ पर करेंगे इसको। तो देखिए अब पहले क्या करेंगे कि ये तो आपका पता है कि आर वन है, और ये आपका आर टू है, और ये आर थ्री है। ठीक है, इतना है। अब देखिए आर वन को हम घटा रहे हैं, आर वन को एक्सपेंड करें, आर वन को घटा रहे हैं आर वन माइनस आर टू से। ठीक है, तो वन में से वन जाएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो। फिर ए में से बी जाएगा तो ए माइनस बी, ए स्क्वायर में से बी स्क्वायर जाएगा तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब लगातार इसी के साथ, क्योंकि छोटा एक्सपेंड है तो इसलिए उतना फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम क्या करें कि R2 को R3 से घटा रहे हैं। ठीक है, R2 को R3 से घटा रहे हैं तो R2 वाला में देखिएगा क्या हो जाएगा, R2 वाला में हो जाएगा यहाँ वन में से वन जाएगा तो जीरो हो जाएगा, ए में से बी में से सी जाएगा तो बी माइनस सी हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा, और जिसका एक्सपेंड नहीं होता वो तो साइलेंट रहेगा। ठीक है, तो इतना हो गया। अब इसके बाद यहाँ से आपको ये दिखेगा कि इसको और आगे यहाँ पर किया गया उस उतना के बाद इसमें कॉमन करेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे कॉमन करने के लिए, इसको R1 को a माइनस बी से क्या किया गया, डिवाइड कर दिया गया। चलो अच्छी बात है, ताकि कट जाए तो इसमें डिवाइड करें तो ये तो जीरो हो जाएगा, इसमें डिवाइड करें तो वन, और यहाँ पर क्योंकि दो था ऐसे था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो माइनस वाला तो कैंसिल हो जाएगा तो प्लस वाला बचेगा, और यहाँ पर भी वही काम किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से बच गया। अब ऐसा बच गया तो यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, कॉलम वन हो गया, कॉलम वन हो गया, इसमें ज़्यादा जीरो है तो इसलिए इसको एक्सपेंड करना ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो चलिए इसको एक्सपेंड कर दिया गया, और बाकी सब को देखिए यहाँ पर लिख दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखने के बाद अब इसमें क्या किया गया है कि इसको एक्सपेंड कर दिया गया। एक्सपेंड करने के बाद कुछ इस तरह से आपका कैंसिल होगा, बी और बी कैंसिल हो जाएगा, और बच जाएगा आपका सी माइनस ए। ठीक है, इसी को अब अरेंज करके जब लिखेगा तो आपको मिलेगा ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए, और ये आपको प्रूफ करना था। एक बार फिर से सॉल्यूशन को अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपका ये रहा, अब कि इतना बराबर आपको प्रूफ क्या करना है, जीरो दिखाना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर टू, ठीक है, क्वेश्चन नंबर टू आपका ये रहा, तो ये तो आपको दिया हुआ है तो ले लेंगे LHS। ठीक है, LHS लेने के बाद ये आपका हो गया R1। ठीक है, R1 हो गया। अब यहाँ पर R1 में क्या किया गया है कि R1 में ये सभी को जोड़ दिया गया है। ठीक है, R1 को एक्सपेंड कर रहा है, और R1, R2, R3 सभी को जोड़ दिया गया है। तो जोड़ने के बाद आपको ये दिखेगा कि हो जाएगा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। तो देखिए सभी क्या हो जा रहा है, सभी के सभी जीरो हो जा रहा है जीरो। ठीक है, तो ऊपर वाला हो गया जीरो, और कोई एक रो या कॉलम टोटल जीरो हो जाए तो इसका आंसर क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है। ठीक है,
तो ये क्वेश्चन देख करके और क्या प्रूफ करना है उसके अनुसार काम किया जाता है दोस्तों। इस तरह से क्वेश्चन आप रिवीजन करेंगे तो आपको पता चल जाए कि कहाँ पर क्या जोड़ें, क्या घटाएं, क्या मल्टीप्लाई करें, क्या डिवाइड करें, इस तरह से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री में देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थ्री देख लेते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर थ्री, ये रहा क्वेश्चन नंबर थ्री। ठीक है, तो प्रूफ करना है आप कितना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर थ्री दिया हुआ है, तो चलिए इसको देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थ्री जो आपका है, ये सब क्वेश्चन आप जरूर रिवीजन कीजिएगा, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए तो क्वेश्चन नंबर थ्री हो गया आपका, ये आपका कॉलम वन हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थ्री, ये कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री। ठीक है, तो चलिए कॉलम वन को कॉलम टू से घटा दिया गया है। ठीक है, तो ये कॉलम है, इसको इसे घटा दिया गया है। तो वन में से वन जाएगा तो हो जाएगा जीरो, फिर ए में से बी जाएगा तो ए माइनस बी, और इतना में से ये जाएगा तो हो जाएगा इतना। ठीक है, इसके बाद कॉलम टू को भी इससे घटा दिया गया है। ठीक है, तो घटा दिया गया तो यहाँ पर जीरो इस तरह से आएगा। अब आपको यहाँ पर क्या कुछ दिख रखा है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे कि इसमें से यहाँ पर कॉलम वन, ठीक है ये कॉलम वन है, यहाँ पर बी ए माइनस बी से क्या किया गया, डिवाइड किया गया है। इसलिए डिवाइड किया क्योंकि ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आप सी कॉमन ले लीजिएगा, माइनस सी कॉमन ले जाए तो ये भी आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और सी टू में भी, कॉलम टू में भी वही काम किया गया, बी माइनस सी से क्या कह रहे हैं, डिवाइड। तो आप डिवाइड करेंगे तो इधर बाहर मल्टीप्लाई तो देना पड़ेगा। ठीक है, तो अंदर में डिवाइड कीजिए, बाहर मल्टीप्लाई, तो ये बाहर में दे दिया है, और इस तरह से वन वन आ जाएगा। ठीक है, अब जिसको कुछ नहीं करना वो तो आपका साइलेंट रहेगा। अब यहाँ से किस में अधिकतर ज़्यादा जीरो है, तो आपका आर वन में ज़्यादा जीरो, इसलिए आर वन के अलोंग क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है, तो आर वन के अलोंग इसको एक्सपेंड कर देंगे तो आपका कुछ आंसर इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो यही आपको प्रूफ करना था। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर। तो क्वेश्चन नंबर फोर देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर फोर क्या कह रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फोर ये रहा आपका, इसमें एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू चलिए देखते हैं। और दोस्तों आप ज़रूर बताया कीजिए वीडियो कैसा लगता है। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका है, इस तरह से क्वेश्चन है। चलिए तो इसको देखते हैं सोल्यूशन। तो यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन, इसको एक्सपेंड किया गया है, आर वन को, आर वन में से आर थ्री को घटा दिया गया है। ठीक है, तो जब घटा करके आएगा तो कुछ इतना आ जाएगा, और इतना करने के बाद आप कॉलम को सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, कॉलम को सॉल्व करने के बाद कुछ इतना आएगा, और यहाँ से आप कॉमन निकाल दीजिएगा वन प्लस सी। ठीक है, सॉरी वन प्लस सी करें, वन प्लस एक्स। ठीक है, सॉरी कॉमन करें, आपको यहाँ से क्या कर देना है, एक्सपेंड कर देना है। ठीक है, तो R1 के अलोंग क्या करेंगे, एक्सपेंड कर देंगे। तो एक्सपेंड कर देंगे तो ये पार्ट और ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, जो भी बचेगा वो इतना बचेगा, बाकी सब तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो जीरो होने के बाद इसको आपको इस तरह से सॉल्व कर देना है, और जब इसको सॉल्व किया तो यहाँ पर x का जो वैल्यू आएगा वो x का वैल्यू एक तो जीरो आ जाएगा, और यहाँ से माइनस वन आ जाएगा, और यहाँ से माइनस बारह आ जाएगा। ठीक है, तो ये था x का वैल्यू। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव। तो क्वेश्चन नंबर फाइव देखते हैं, ये था आपका क्वेश्चन नंबर फोर, ये था आपका क्वेश्चन नंबर फोर, और इसके बाद है ये रहा क्वेश्चन नंबर फाइव। ठीक है, इसमें आपको एरिया पता करना है ट्रायंगल का, वर्टिसेज आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो एरिया आपको पता है क्या होता है ट्रायंगल का। नंबर फाइव का सॉल्यूशन ये रहा, सारे जो वर्टेक्स दिया होता है यहाँ पर लिख दिया गया, और एक्स वन वाई वन ये सब लिख दिया गया। ठीक है, अब आप फॉर्मूला जो याद किए उस पर आप बैठाइएगा तो ईजिली सॉल्व हो जाएगा। एक्स वन वाई वन वन, फिर आपका एक्स टू वाई टू वन, एक्स थ्री वाई थ्री वन, इस पर आप सॉल्व कीजिए तो आंसर आ जाएगा। इसमें भी सॉल्व किया गया है, तो आप ऐसे भी फॉर्मूला को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस पर भी जब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर माइनस वन आएगा, लेकिन आपको पता है कि एरिया नेगेटिव नहीं होता, इसीलिए पॉजिटिव लिखेंगे। ठीक है, तो माइनस वन आएगा, आप जो फॉर्मूला याद किए उससे भी अच्छी बात है। ठीक है, तो एरिया इसका नेगेटिव नहीं आता है, इसीलिए पॉजिटिव आंसर करके देंगे। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फाइव। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स, कि क्वेश्चन नंबर सिक्स कैसा है। देखिए तो क्वेश्चन नंबर आपका जो सिक्स है वो ये रहा क्वेश्चन नंबर सिक्स, इसमें एडजॉइंट ए फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो एडजॉइंट आपको फाइंड आउट करना है, तो एडजॉइंट फाइंड आउट करने के लिए क्या होता है इसका फॉर्मूला, तो ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर। ठीक है, तो कोफैक्टर निकाल के रह कर और उसका ट्रांसपोज करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग क्या है इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर सिक्स का। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर सिक्स। ठीक है,
तो यहाँ पर ए मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब इसका क्या निकालेंगे, सारे का पहले तो निकालेंगे, पहले चेक कर लेंगे कि ये आपका इन्वर्टिबल है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ए को फैक्टर को निकाला गया ए डिटर्मिनेंट के। ठीक है, तो ए डिटर्मिनेंट को निकाला जा रहा है। देखिए तो यहाँ पर निकालेंगे ए डिटर्मिनेंट दिया, ए डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख दिए इसको। ठीक है, मैट्रिक्स यहाँ पर दिया हुआ था इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर ए डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लें। ठीक है, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखने के बाद इसका कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर निकालने के बाद यहाँ पर देखिए निकाला जा रहा है। आपको क्या करना है, बस साइन रखना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो जब इसका निकालेंगे ए वन वन, ठीक है, इसका आपको बताते हैं। ए वन वन इसका वैल्यू हो जाएगा, तो यहाँ से कैंसिल और ये सब कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिए तो 3 × 6 − 5 कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा। जब आप ए टू निकालिएगा तो ए टू जब कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो इसको मिटाते हैं। ए टू जब कीजिएगा तो ये वाला कैंसिल और ये कैंसिल हो जाएगा 0 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, 4, लेकिन यहाँ पर दूसर का वाला में क्या लगता है, माइनस, तो इसलिए इसका आ जाएगा −4। ठीक है, तो इसका −4। देखिए यहाँ पर इस सभी निकाला गया है, इसको आप देख लीजिए। फिर ए 13 को निकाला गया, फिर इसके बाद ए 21 का निकाला गया है, ये सब यहाँ पर निकाल दिया गया है, इसको आप इजीली देख सकते हैं। और इसके बाद आगे बढ़ें तो सभी का निकाल करके, ठीक है, सभी का कोफैक्टर निकाल दिया गया है। सभी का कोफैक्टर निकालने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, इस तरह से रख देना है। ठीक है, रखने के बाद इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। ठीक है, तो रख दिए यहाँ पर, देखिए सभी का वैल्यू रख दिया गया है। ठीक है, सभी का वैल्यू रखने के बाद अब इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करेंगे तब आंसर आएगा, यानी कि ये जो आपका दिख रखा है, ठीक है, कॉलम, वो बन जाएगा रो। ठीक है, तो इस तरह से ट्रांसपोज करते हैं, तो ये आपका आंसर हो गया। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका ये रहा, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, अच्छा इसमें आपको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो वेरीफाई तो आपका फॉर्मूला ही है, इसको आपको वेरीफाई करना है। इस फॉर्मूला को भी आप नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला ही है, कभी कभी ऐसा भी दे देता है, तो इसको आपको वेरीफाई करना है, तो कोई बात नहीं। देखिए वेरीफाई करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका यहाँ से, ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स दिया, तो पहले तो इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे, कुछ आपको इसमें नहीं करना है, बस ये साइन लगा देना है। ठीक है, चलिए अभी इसका ए डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल दिया गया है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से आ गया है 4। ठीक है, 4 करने के बाद इसका क्या करेंगे, एडजॉइंट करेंगे। एडजॉइंट करने के लिए 2 ऑर्डर का है, तो आराम से कुछ नहीं, इसका प्लेस चेंज कीजिए और इसको साइन चेंज कीजिए। ठीक है, तो रिप्लेस कर दिया गया और इसको साइन चेंज कर दिया गया। अब इसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ इतना आएगा, और इसको जब सॉल्व कीजिए तो कुछ इतना आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 4 को कॉमन निकालेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, और इसको हम कह सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसीलिए आई लिख दिया गया। ठीक है, आई लिख दिया गया, और ये आपका क्या है, ये जो 4 आया है उसके बदला में हम डिटर्मिनेंट ए लिख देंगे, तो हो गया इतना। अब फिर आपको इधर से निकाला गया, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई आपके इधर रह करके किया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर कीजिए चाहे उधर कीजिए, बात एक ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से वेरीफाई ये हो गया। ठीक है, वेरीफाई हो गया। चलिए इसके बाद आगे बढ़े, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें इन्वर्स आपको पता करना है। ठीक है, तो इन्वर्स पता करने के लिए क्या फॉर्मूला है। ठीक है, तो चलिए आपको दिखाते हैं कि इन्वर्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, तो इन्वर्स आपका ये रहा, तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, तो इन्वर्स पता करने के लिए पहले इसको देख लेंगे कि इन्वर्टिबल है या नहीं है। तो ये 0 नहीं आ रहा है, तो मतलब इसका फाइंड आउट किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका किया जा सकता है, तो देखिए सभी का पहले ए डिटर्मिनेंट निकाल लिया गया है, 11 है। अब इसका कोफैक्टर, सारे एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। ठीक है, कोफैक्टर निकालना कोई टफ काम नहीं है। ठीक है, आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। आप कहेंगे सर कैसे आराम से निकाल सकते हैं, तो कुछ नहीं, यहाँ पर आइए, इसका आप निकाल रहे हैं। ठीक है, इसका निकाल रहे हैं, और ये साइन हमेशा याद रखिए, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, और प्लस माइनस प्लस, और बीच में माइनस प्लस
माइनस अल्टरनेट साइन होता है, ठीक है। ये साइन को याद रखिए और साइन बैठाते जाएगा बस, और कुछ आपको नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ से वन का आप निकाल रहे हैं तो ये कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये जीरो हो गया, और यहाँ से भी क्या हो गया जीरो, तो मतलब जीरो। इसमें तो कोई साइन का झंझट नहीं। इसके बाद अगर आप सेकेंड करेंगे, इसको आप कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, तो यहाँ से माइनस रखिएगा और इसको ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो तीन तीन नौ हो जाएगा, माइनस इसको इसे कीजिएगा तो माइनस दो आएगा, लेकिन माइनस पहले से था, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस ग्यारह, ठीक है। लेकिन साइन तो रखना है ना, क्योंकि प्लस के बाद आता है माइनस, तो यहाँ पर माइनस में प्लस हो गया, तो ये हो जाएगा ग्यारह। इसी तरह से आप रखते जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया, रखने के बाद यहाँ देखिए ए टू निकाला गया है, ठीक है। तो रखने के बाद यहाँ पर ये माइनस था, ये माइनस था, तो ये कोफैक्टर निकाल दिया गया। कोफैक्टर निकाल करके, कोफैक्टर निकाल लीजिएगा और फिर बाद में रखिएगा, ठीक है। तो कोफैक्टर निकाल के और जब रखिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स का क्या फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। एडजॉइंट भी निकालना है और आपको डिटर्मिनेंट भी निकालना है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए आपको क्या करना रहता है, कोफैक्टर निकाल करके और उसका ट्रांसपोज करना रहता है, ठीक है। तो कोफैक्टर निकाल करके आप ट्रांसपोज कर दीजिएगा यहाँ से। चलिए, रखने के बाद यहाँ देख लीजिए यहाँ पर क्या हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें ये वाला जो साइन है, यहाँ पर माइनस ग्यारह नहीं होगा, प्लस ग्यारह होगा। आप इसको अच्छे से रखिएगा, ठीक है। तो रखने के बाद कुछ इस तरह से आपका आएगा एडजॉइंट ए, ठीक है, एडजॉइंट ए। इसके बाद इनवर्स आपको निकालना है, तो फॉर्मूला लगा दीजिए, ये फॉर्मूला आपका है। और इसके बाद आपको पता है कि डिटर्मिनेंट ए निकाल चुके हैं ग्यारह, और इसका भी वैल्यू निकाल चुके हैं, यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है। आप इसको चाहे तो सॉल्व भी कर सकते हैं, नहीं तो इतना आंसर छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। चलिए, इसके बाद आगे बढ़ें। तो नेक्स्ट, ये तो क्वेश्चन नंबर एट था, क्वेश्चन नंबर नाइन को देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर नाइन में क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नाइन आपका ये रहा, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर नाइन। इसमें प्रूफ करना है, ठीक है, प्रूफ दैट मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, तो इसको पता करना है, ठीक है। और इसके बाद ए इनवर्स भी निकालना है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नाइन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नाइन, ये रहा क्वेश्चन नंबर नाइन, ठीक है। तो यहाँ से ये तो आपको दिया हुआ है मैट्रिक्स, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। और इक्वेशन आपको इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से इसका एक्स के जगह पर वैल्यू पुट कर दिया गया है ए, ठीक है। तो जो भी एक्स है इस यहाँ पर ए पुट कर दिया, तो कुछ इतना हो जाएगा, ठीक है। और ए जो दिया हुआ था मैट्रिक्स, उसको वैल्यू रख दिया गया है, ठीक है। जहाँ जहाँ ए है वहाँ वहाँ सभी का वैल्यू रख दिया, और उसके बाद इसको सॉल्व कर दिया गया है, ठीक है। आप अच्छे से देख लीजिए, इसको सॉल्व किया गया है, ठीक है। सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, ठीक है। तो जीरो आ रहा है तो सही तो है, यहाँ पर भी जीरो था, इक्वेशन में भी दिया हुआ था जीरो था, और यहाँ पर भी हम लोग प्रूफ कर दिए, ठीक है, कि जीरो आ गया, चलिए अच्छी बात है। तो इसके बाद निकालना क्या है, तो ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स निकालना है, तो कोई बात नहीं, यहीं से इसको सॉल्व करेंगे, इसी में से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या किया गया है कि यहाँ से ए इनवर्स जो है, ए इनवर्स दोनों तरफ कर दिया गया मल्टीप्लाई, राइट तरफ और लेफ्ट तरफ दोनों तरफ, ठीक है। तो जब इसको इंटर करेंगे तो यहाँ तो एक कम ही ना होगा, ठीक है। तो एक कम हो गया, जहाँ पर नहीं हो वहाँ पर ए इनवर्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ ये सब कम हो गया, देखिए ये सब कम हो गया। इसके बाद इसमें क्या किया ये गया है कि ये वाला पार्ट तो आपका जीरो ही हो जाना है, ठीक है। तो जीरो हो गया, फिर ये इधर क्या में है, माइनस में, तो उस तरफ भेजेंगे तो क्या में हो जाएगा, प्लस में हो गया। तो देखिए प्लस में हो गया। अब इसके बाद यहाँ से आपको सिर्फ ए इनवर्स चाहिए, ठीक है, ए इनवर्स चाहिए। तो यहाँ पर ए का वैल्यू बैठा दिया गया, देखिए ए का वैल्यू बैठा दिया गया, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगा करके और चार को इंटर कर दिया गया, ठीक है। और इसको सॉल्व करके कुछ इतना ला दिया गया है, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा इतना, क्योंकि माइनस आठ और प्लस चार को जोड़ेंगे तो माइनस चार ही आएगा, पाँच और जीरो को जोड़ेंगे तो पाँच ही आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ, इसीलिए हम उतना टाइम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आप इसको देख करके समझ सकते हैं। अभी ये 42 इधर क्या मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, तो डिवाइड में हो जाएगा। चाहे तो आप इसको अंदर भी कर सकते हैं, नहीं तो बाहर भी छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये आपका ए इनवर्स निकल गया। जब भी इस तरह का सवाल देता है तो इसी से इनवर्स निकाल लिया जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ जाएँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, यह रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। इसमें शो करना है एडजॉइंट ए इक्वल टू होता है 3 ए इनवर्स, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ ए, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स यहाँ पर दिया हुआ है, तो चलिए इसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन आपका ये रहा, यहाँ से मैट्रिक्स ए दिया हुआ है,
ठीक है। तो मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, यहाँ पर दे रखा है। अब इसका कोफैक्टर निकालेंगे सारे एलिमेंट का, ठीक है। तो कोफैक्टर निकालेंगे क्यों, क्योंकि हमें एडजॉइंट ए निकालना है। चलिए तो पहले इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे। तो आपको पता है कि कुछ नहीं करना, लास्ट में हम लोग साइन बैठाएंगे, तो इसको ये कैंसिल और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर दे तो हो जाएगा एक, और इसको जब कीजिएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस में खुद हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस थ्री, ठीक है। इसमें तो प्लस ही साइन रहता है, ठीक है, मतलब इसमें साइन चेंज नहीं होगा। फिर दूसरा वाला में करेंगे तो देखिए सभी का किया हुआ है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर सभी का किया हुआ है, ठीक है। तो सभी का किया हुआ देख लीजिए इसमें, सभी को करके और फिर सेम टू सेम इसी पर रखेंगे, इसी पर रख कर और फिर इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो एडजॉइंट ए निकल जाएगा, ठीक है। तो ट्रांसपोज करके ही करना है, देखिए यहाँ पर ए ट्रांसपोज किया हुआ है, ठीक है। चलिए तो करके फिर हमें तो यही तो शो करना था, थ्री से मल्टीप्लाई किए तो हमें सेम टू सेम वही चीज़ मिल गया, एडजॉइंट ए और थ्री इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए, तो सेम टू सेम मिल गया, यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। अगर दोस्तों वीडियो फास्ट लगे या फिर ऐसा लगे कि नहीं आपको नहीं समझ में आ रहा, तो ये भी आप कमेंट कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो से हम आराम आराम से अच्छी तरह से समझा के बता सकें, क्योंकि इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो उतना कुछ करना नहीं, कैलकुलेशन बस करना था, इसीलिए हम उतना टाइम नहीं दे रहे हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब लॉन्ग में आ जाते हैं, जो कि 5 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में आता है। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें आपको ए इनवर्स भी फाइंड आउट करना है और साथ ही साथ ये लीनियर इक्वेशन दिया है, इसको भी आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आप देख लिए, चलिए अब इसका देखते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन आपका स्टार्ट होता है यहाँ से, क्वेश्चन नंबर वन देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, जो भी इक्वेशन दिया हुआ था उसको यहाँ पर लिख दिया गया है, ठीक है, 1 2 3 ऐसे मान करके। अब आपको पता है कि मैट्रिक्स का जो फॉर्म होता है यहाँ से लिख दिया गया है, चलिए। तो इक्वेशन में से कंपेयर कर लिया गया है, कोफिशियंट सिर्फ कंपेयर करते हैं, एक्स वाई तो लिख दें, तीन वेरिएबल दिया हुआ है, देखिए एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल दिया, तो तीनों को लिख लेंगे, एक्स वाई जेड लिख लिए। फिर इसका जो कोफिशियंट है ये सब को लिख लिया जाता है मैट्रिक्स ए में, ठीक है। तो मैट्रिक्स ए में सभी का कोफिशियंट, और इधर जो आपका है कॉन्स्टेंट, ये कहाँ से लिखते हैं, तो ये लिखते हैं इस इधर वाला, ठीक है। तो सभी को लिख दिया गया, ठीक है, और सभी को लिख दिया गया है, ठीक है। और हमेशा याद रखिएगा यही इसका जनरल फॉर्म है, कांस्टेंट हमेशा इधर ही रहता है, ठीक है। अगर कभी मान लीजिए कि इस तरफ कांस्टेंट दिया हुआ, तो इसको इधर ला करके तब रखेंगे, ठीक है। तो सभी को रख दिया गया है। अब यहाँ से निकालेंगे डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए इसको भी मल्टीप्लाई किया जाता है। याद रखिएगा जब कोफैक्टर निकालते हैं तो ये वाला जो वन है इसको नहीं लिखते हैं, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, लेकिन जब डिटरमिनेंट निकालते हैं तब मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। इसको आप ध्यान रखना है, ठीक है, नहीं तो आपको एग्जाम में ये कन्फ्यूज हो सकते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करना है कि नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सभी सॉल्व किया हुआ है, ठीक है, तो सॉल्व किया हुआ है, और आ कितना गया इसका, तो आ गया 67, ठीक है, जो कि जीरो नहीं है, जीरो नहीं है तो मतलब ए का है, इन्वर्टिबल है, तो इन्वर्टिबल है, इसलिए आगे कैलकुलेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इक्वेशन जो था इस तरह से जो लिखे थे ऐसा इक्वल टू में, तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया, ए इनवर्स बी, ठीक है। अब यहाँ पर रखेंगे सभी को, चलिए इसको अभी वन मान लिया गया है, ठीक है, इसको याद रखें, इसको वन माने एक्स बराबर। अब यहाँ से सभी का क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालने के लिए आपको पता है ना फॉर्मूला, उसी फॉर्मूला पर काम करें। एडजॉइंट निकालने के लिए सभी का निकाला गया है कोफैक्टर, ठीक है, कोफैक्टर निकालेगा और सभी को क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है। तो इस जैसे लिखा हुआ है सेम टू सेम वैसे तो लिखा था, लेकिन इसका ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है। तो ट्रांसपोज कर देंगे तो ये 6 यहीं रहेगा, 14 आ जाएगा इसके जगह पर, और 15 आ जाएगा, -15 आ जाएगा इसके जगह पर, ठीक है। तो ट्रांसपोज करेंगे तो एडजॉइंट मिल जाएगा, तो देखिए ट्रांसपोज करके डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया गया है, ठीक है। अब इसके बाद करेंगे, हमें ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर, ये फॉर्मूला है, इसको आप जरूर याद रखें, ठीक है। इसी पर अब क्या करेंगे, रखेंगे, तो देखिए यहाँ पर रख दिया गया, डिटर्मिनेंट का निकाल लिए थे और एडजॉइंट का भी निकाल लिए थे, ठीक है। निकालने के बाद इसको आप इसको इतना ही छोड़ दीजिए, और क्या कर सकते हैं, इसको इतना ही छोड़ दीजिए, तो ये तो निकल गया इनवर्स। अब आपको इक्वेशन से जो आपको सॉल्व करना था, ठीक है, इक्वेशन से आपको सॉल्व करना था, जो वन माने थे उसी में अब रख देंगे, सभी को रख देंगे, और एक्स वाई का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई पहले आपको करना पड़ेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिए तो कुछ इतना आएगा, इतना करने के बाद
ये जो 67 डिवाइड में सबको अंदर डिवाइड कर दीजिए तो कुछ ये कम मिलेगा, तो ये x का वैल्यू, y का वैल्यू और z का वैल्यू हो गया, ठीक है। तो ये आपका x y z का भी सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, लॉन्ग क्वेश्चन सेकंड, देखते हैं क्या कह रखा है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रखा है कि बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, ठीक है। तो यूज करना आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन का और उसके बाद आपको फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन। ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन। तो इसमें ए दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको पता है कि ए को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए के लिखने के बाद यहाँ पर रो एलिमेंट का इन्हें यूज करना था, इसीलिए यहाँ पर रो को यूज किया जा रहा है। अब इधर जो आपका है, इस इधर वाला जो भी आपको दिख रहा है, आपको बनाना है आई, मतलब आइडेंटिकल मैट्रिक्स, मतलब ऐसा वाला आपको बना देना है, ठीक है। जब इधर वाला ऐसा बन जाएगा तब हम आराम से इसको, जो आएगा इधर वाला वही आंसर आपका होगा। देखिए वही किया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। तो सभी चीज़ लिखा हुआ है इसलिए कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। यहाँ पर एक्सपेंड किया जा रहा है आर टू को, आर टू कहाँ पर है, तो आर टू आपका ये R1 हो गया और ये R2 हो गया, ठीक है। तो R2 को R1 में से घटाया जा रहा है दो से गुना करके, तो पहले इसको दो से गुना करेंगे उसके बाद घटाएंगे तो हो जाएगा वन, क्योंकि दो से गुना करेंगे तो चार हो जाएगा, चार में से पाँच जाएगा, तो फिर यहाँ से दो से गुना करेंगे, ठीक है। दो से गुना करेंगे तो जीरो हो जाएगा, जीरो में से एक में से जीरो में से एक में से जीरो घटाएंगे तो एक ही रहेगा। फिर यहाँ पर भी दो से आप मल्टीप्लाई करें तो माइनस दो हो जाएगा, फिर जीरो में से इतना घटेगा तो ये दो आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस, ठीक है। तो इसी तरह से इधर भी काम होगा, ठीक है, इस तरह भी काम होगा। आप इसको अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आगे किया कहा गया है कि आर वन और आर टू को चेंज कर दिया गया है, मतलब जो आर वन के जगह पर था, ठीक है, वो आर टू के जगह पर चल गया, और जो आर टू के जगह पर था वो आर वन के जगह पर चल गया। देखिए ये वाला आ गया यहाँ पर और ये चल गया यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें भी वही होगा, ठीक है। ऐसे हम लोग कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज करने से कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होता, ना तो माइनस का साइन चेंज होता है और ना ही और कुछ, ठीक है। तो आंसर भी सेम टू सेम वही आता है। चलिए इसके बाद अब के आर टू को एक्सपेंड किया जा रहा है, आर टू को, आर टू में से फिर से आर वन को टू से मल्टीप्लाई कर घटाया जा रहा है, तो कुछ आपका इतना आंसर आएगा, ठीक है। इतना आने के बाद फिर से R2 और R3 को आपके रिप्लेस किया, ये वाला आप क्या जाएगा इसके जगह पर, ठीक है, और ये चल जाएगा इसके जगह पर, ठीक है। तो यही यहाँ पर किया गया है, देख लीजिए। इतना करने के बाद, इसको इतना करने के बाद और आगे आपको दिखाते हैं कि क्या है आगे किया हुआ। देखिए यहाँ पर अब एक ही बार में दो दो को R1 और R3 को किया जा रहा है ऑपरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए R1 को R2 से घटाया जा रहा है और R3 को जोड़ा जा रहा है R2 से, दो से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो जब ऐसा कीजिएगा तो कुछ आपका आंसर इतना आएगा, ठीक है। क्योंकि ये लॉन्ग है तो इसलिए आपको ये सब तो एक ही स्टेप में करना पड़ेगा, आप अलग अलग इसको नहीं कर सकते हैं, R1 को अलग, R2 को अलग, तो और लंबाई चल जाएगा, इसीलिए छोटा छोटा ये ऑपरेशन है आप एक साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इधर वाला बन गया आपका आई, ठीक है, क्योंकि यही तो मकसद था। इधर वाला जैसे आई बन गया तो क्या करेंगे, आंसर यहीं से ये जो आपका हो गया ये आपका आंसर हो गया, ए को इधर ला दीजिए, हो गया आपका ए इनवर्स, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए इसके बाद ये तो क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड था, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थ्री देख लीजिए, ठीक है, इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर थ्री ये जो आपको लंबा लंबा दिख रहा है, तो लंबा मार्क्स का भी तो है, ठीक है, इससे आपको गड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थ्री देख लें, चलिए इसका आप सॉल्यूशन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री का सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थ्री का सॉल्यूशन ये रहा आपका, क्वेश्चन नंबर थ्री का सॉल्यूशन, यहाँ से क्वेश्चन नंबर थ्री है, यहाँ पर आपको दिया हुआ है ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका तो ए ट्रांसपोज करेंगे, ठीक है, ए ट्रांसपोज करेंगे तो ये वाला जो आपको आर वन दिख रखा है ये आर वन हो जाता है, सी वन हो जाता है, ठीक है। तो देख लीजिए, फिर ये आपका R2 है वो आपका C2 हो जाता है, और ये आपका R3 है वो हो जाता है आपका C3। तो इस तरह से ये चेंज होता है, ठीक है। तो ये आपका चेंज करने का प्रोसेस है, इस तरह से ये चेंज होता है, और ए इनवर्स निकल गया। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों क्या है, इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये नॉट सिमेट्री है,
ठीक, और माइनस भी आप लगा करके देखिएगा तो भी ये नहीं है, तो माइनस जब भी ऐसा होता है तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होता है, लेकिन इक्वल नहीं आ रहा, इसलिए नॉट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, चलिए अब इसका एक और है, तो दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, दोनों को ऐड करना, दो से डिवाइड करेंगे, तो जो हम निकाले थे, जो ए दिया हुआ था और ए इनवर्स सॉरी ए ट्रांसपोज, ये दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, ये भी इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो इतना आ जाएगा। अब स्क्यू सिमेट्रिक वाला में क्या, तो यहाँ पर माइनस कर देते हैं, तो देखिए यहाँ पर माइनस किया हुआ है। ठीक है, माइनस करने के बाद ये तो आपका हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो दोनों को ऐड कर दिया गया है। ठीक है, दोनों को ऐड करने के बाद, और यही तो आपको स्क्वायर मैट्रिक्स ही फाइंड आउट करना था, तो स्क्वायर मैट्रिक्स आपको फाइंड आउट हो गया। ठीक है, मिल गया, दोनों को ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, दोनों को सॉल्व कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा, नहीं तो इतना भी आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये रहा, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है, देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। ठीक है, और इसका आपको ले चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, तो सॉल्यूशन इसका आपको दिखाते हैं। यहाँ से आपको फर्स्ट नंबर को मान लिया है एक्स, क्योंकि तीनों नंबर निकालना है, सेकेंड को मान लिया वाई और थर्ड को मान लिया है जेड। अब क्वेश्चन के अनुसार, ठीक है, बाई क्वेश्चन, क्वेश्चन के अनुसार ये इक्वेशन लिखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन के अनुसार ये इक्वेशन लिखा गया है, तो यहाँ पर जो भी है मैट्रिक्स अब लिखेंगे। ठीक है, एक क्योंकि एक्स वाई का वैल्यू निकालना है, तो सेम टू सेम वही सब प्रोसेस करेंगे, निकालेंगे डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे। डिटर्मिनेंट ए निकालने के बाद यहाँ पर देख लेंगे जीरो आ रहा है कि नहीं, जीरो नहीं आ रहा मतलब ए इन्वर्टिबल है, तो ये इस फॉर्म का लिख देंगे। ठीक है, ये फॉर्म लिखने के बाद आपको कोफैक्टर का निकालना है। ठीक है, तो सारे कोफैक्टर निकाल कर, क्योंकि कोफैक्टर इसलिए निकालें क्योंकि एडजॉइंट हमें फाइंड आउट करना है, तो एडजॉइंट यहाँ से आ गया, आप रख देंगे फॉर्मूला पर। रखने के बाद आपका ये आ जाएगा, यहाँ से ए इनवर्स भी निकल जाएगा। ए इनवर्स से निकलने के बाद यहाँ पर जो इक्वेशन मान थे उस पर आपको रख देना है। ठीक है, रखने के बाद कुछ नहीं करना है, आपको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ इस तरह से बनेगा, और बाकी चार से फिर आप डिवाइड कर दीजिए, तो सभी छोटा छोटा नंबर में आ जाएगा, और छोटा नंबर आने के बाद इस तरह से कंपेयर कर दीजिए, ये आपका x का वैल्यू, y का वैल्यू और ये आपका z का वैल्यू। ठीक है, तो सभी का वैल्यू निकल गया। अब इसके बाद एक और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आप एक बार देख लीजिए, इसके बाद आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 था, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर है, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, आप इसको अच्छे से देखिएगा। ठीक है, प्रूफ आपको करना है। ठीक है, तो चलिए दिखाते हैं इसका प्रूफ, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, एलएचएस ले लिए, ठीक है, एलएचएस ले लिए, आरएचएस तो लाना है। चलिए अब इसके बाद ध्यान से देखिएगा, तो सी वन को ए से डिवाइड किया जा रहा है, सी टू को बी से, और सी थ्री को सी से। तो जब आप डिवाइड करें तो बाहर तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दिया गया और अंदर में डिवाइड कर दिया गया। इसके बाद यहाँ पर ऑपरेशन लगाया गया आर टू से। ठीक है, तो आर टू में से घटाया जा रहा है आर वन और आर टू को जोड़ करके। ठीक है, तो कुछ आपका इस तरह से आएगा। ठीक है, इतना आने के बाद आप यहाँ पर सी टू को लीजिएगा, सी टू में से सी थ्री को आप सॉल्व कीजिएगा, तो कुछ इतना आ जाएगा, और यहाँ से आपको एक्सपेंड कर देना है आर टू के अलोंग, क्योंकि ये आपका आर टू है। ठीक है, इसी में ज़्यादा जीरो है, तो इसी के अनुसार आपको एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करने के बाद कुछ आपका इतना आ जाएगा, और इतना करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यही आपको लाना था, फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपको लाना था। तो ये था दोस्तों चैप्टर नंबर 4 का, और अगर आपको किसी चैप्टर का चाहिए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और बाकी चैप्टर का भी अपलोड किया आप उसको जा करके देख सकते हैं, और किसी सब्जेक्ट का भी चाहिए तो भी हमें आप बताइएगा, इसी तरह से हम आपकी मदद करते रहेंगे।